आज कांग्रेस पार्टी के साथ 40 एमएलए कांग्रेस पार्टी के, 30 जो है, 3 जो है वो निर्दलीय है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो केवल 25 विधायक है। और हिमाचल प्रदेश की जो परंपरा रही है वो ये रही है कि राज्यसभा का चुनाव पिछले कई वर्षों में अनपूर्ण रहा है, क्योंकि जब आंकड़ा आपके हक में नहीं है तो आपको कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती रही है। जब जगत प्रकाश नड्डा जी जो है यहाँ से सांसद, राज्यसभा के सांसद चुनकर हमने कैंडिडेट नहीं उतारा है, मगर प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़ा होने के बावजूद भी जो है वो कैंडिडेट पे विप जो है वो राज्यसभा चुनाव में बेटर नहीं करती है, तो हमने वो विप इशू नहीं किए। अब जो मीडिया में मैं हैरान हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है हमारा जो विप इशू करने का कागज़ है दिया था, वो इनके हाथ में कैसे आया, वो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेंट के रूप में भेजा है, तो कंप्लेंट के रूप में भेजा है इसका मतलब फ्रस्ट्रेशन है, इनकी हताशा है, निराशा है। ठीक है, हमारे पास स्पष्ट बहुमत है हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस विधायकों का जो विश्वास है, कांग्रेस के नेतृत्व श्री सुखिंदर सिंह सुक्खू जी के अध्यक्षता में विश्वास है और कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व मजबूत है। 40 के 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के जो है एक है, और हमारे जो एसोसिएट मेंबर हैं 3 जो निर्दलीय है, उन्होंने भी जो है आश्वासन पूरा समर्थन जो है वो सुखिंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को उनको जो है और कांग्रेस पार्टी को दिया है। आप कह रहे हैं कि कोई जारी ही नहीं हुई। इनिशियल स्टेज पे जैसे मैंने कहा कि हमने, क्योंकि इन चीज़ों की अभी ये यूज हुआ है, हमने इसको नहीं किया। अब आप विप में इशू करने में आप वो कागज इशू करो जिसमें चंद एमएलओ ने साइन किए हुए, तो इट वाज ए थोन पेपर। एंड ये भी प्रश्न है कि ऐसा पेपर जिसको हमने फेंक दिया वो इनके हाथ में कैसे आया, आप ही के विधायक ने दिया होगा सर, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर पे वो कह रहे हैं कि डिटेरियोरेट हो रही है हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, शिमला के मॉल रोड का जो मर्डर है उसका उन्होंने एग्जाम्पल कोट किया, और साथ में कहा है कि जो बीजेपी के विधायक है उनके फोन टैपिंग किए जा रहे हैं और सरकार उनका पीछा कर रही है। देखो, लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो ये आप माल रोड की घटना का जिक्र कर रहे हैं, ये दुखद है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, मगर ये आपस में जो दो लोग हैं उनके आपस का क्लैश है, और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, उनको जो आइडेंटिफाई भी कर दिया गया, वो आइडेंटिफाई भी किया है, और शायद मुझे लगता है आज शाम तक या पकड़ लिया होगा या शाम तक पकड़ लेंगे, तो ये दुखद घटना है। सरकार ने और पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत कार्रवाई की है, और ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर आप इन टर्म्स ऑफ आंकड़े देखेंगे, चाहे वो डेकोइटी है, चाहे थेफ्ट है, चाहे और चीज़ें हैं, तो वो एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर जो है वो कम है। सर, बंबर ठाकुर का इशू उठाया है और खुद आपके विधायक सुधीर शर्मा ने नाराजगी जताई, गंभीर होना चाहिए। सुधीर शर्मा ये कह रहे हैं कि विधायक के साथ ऐसा हो रहा है, पूर्व विधायक के साथ ऐसा हो रहा है, आम आदमी के साथ क्या? देखो, ऐसा है, मैंने सदन में भी कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता ने इस बात को उठाया, मैंने उस वक्त भी कहा है कि सुधीर शर्मा जी को जो थ्रेट दी है, किसी ने भी जो थ्रेट दी है या कोई ऐसा है, वो उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी से बात की है, और सरकार जो है उनकी पूरी सुरक्षा जो है वो करेगी, और जो सारी बातें हुई है वो जो है उन्होंने सुधीर शर्मा जी ने बताई है, और सरकार उस पर एक्शन जो है वो कर रही है, और सुधीर शर्मा जी तो सक्षम है अपने पॉलिटिकली और हर हिसाब से अपने आप की ओर करने के लिए सक्षम है, और वो जो है वो जयराम जी उनकी बात उठा रहे हैं, जो सदस्य विधानसभा के अंदर उपस्थित है वो उनकी बात उठा रहे, सुधीर शर्मा जी ने भी खुद सदन के अंदर सारी बोल दिया, सारी बातें आपको सारी बातें संतुष्ट करी। और बंबर ठाकुर जी वाला जो केस है वो आपस में बंबर ठाकुर जी के साथ लड़ाई झगड़ा किया गया है, जब वो उस कंपनी के में उनके अधिकारियों से मिलने गए और वहाँ उन्होंने बातचीत की, उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो कुछ लोग उनके साथ गाली गलौज करते हैं और उन पर हमला करते हैं, तो दुखद है, ये भी दुखद है। एक विधायक, एक पूर्व विधायक के साथ हिमाचल प्रदेश में चंद गुंडे जो है वो लड़ाई झगड़ा करें, मारपीट करें और विधायक को घायल करें, और एमएलए को जो है वो 307 लगी हुई है, जो बंबर ठाकुर जी है उनके ऊपर ग्रीवियस इंजरीज है, उनकी जो बैकबोन में है वो शायद जो है वो डैमेज हुआ है। एक विधायक के साथ चंद लोग
अगर मारपीट करे, लड़ाई झगड़ा करे, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या सरकार ऐसे इश्यूज में भी कोई एक्शन नहीं लेगी? क्या पुलिस जो है म्यूट स्पेक्टेटर बन के रहेगी? अगर बम्बा ठाकुर, ठीक है, बम्बा ठाकुर जी कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक रहे, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का विधायक, पूर्व विधायक या आम जनता के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, कोई हमला करे उनके ऊपर, तो है तो पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और दुखद है ये कि चंद लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो पूर्व विधायक के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाड़ी गलौज कर रहे हैं, ठीक है आपस में बातचीत होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, मगर ऐसी ऐसी घटनाएँ जो है वो दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए हिमाचल प्रदेश। उनका आरोप है सर।